हेलो जी वालेकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बायो स्मूथ प्रूफ डीप स्मूथिंग सिरम जो कि uh, कुछ इस तरह की बॉटल में है ये इसकी बॉटल प्लास्टिक में आती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बॉटल है और uh, ये इसकी कैप है वाइट कलर में ऊपर से काफ़ी इजी टू यूज़ है इस बॉटल से हेयर सिरम को यूज़ करना मैं इसकी एम की बात करूँ तो इसकी एम 325 है जो कि मुझे 325 में ही ये मिला है और इसका नेट वेट 100 एम है और इसकी एक्सपायरी डेट एट ट्वेंटी है मतलब 2026 तक इसकी एक्सपायरी है तो और इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो फ्रेगरेंस बहुत अमेजिंग है इसकी एवाक आरोकी फ्रेगरेंस है तो अब हम बात करते हैं हेयर सिरम के मेन पॉइंट्स पर हेयर सिरम क्या होता है हेयर सिरम के क्या बेनिफिट्स होते हैं सिरम हमें कब यूज़ करना चाहिए सिरम हम क्यों यूज़ करते हैं और सिरम को कैसे यूज़ किया जाता है एट्सेट्रा तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए तो अब मैं आपको बताती हूँ हेयर सिरम होता क्या है हेयर सिरम एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बालों को प्रोटेक्ट करता है बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो हेयर की कोटिंग करता है और उन्हें कवर करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है जैसे बैड एयर क्वालिटी से पॉल्यूशन से डस्ट से इन सब से होने वाले इफ़ेक्ट से बालों को प्रोटेक्ट करता है तो हेयर सिरम आपके बालों में शाइन ऐड करता है ह्यूमिडिटी से फाइट करता है और आपके बालों को स्मूथ बनाता है और अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं मतलब बेनिफिट्स ऑफ हेयर सिरम तो अब हम सिरम के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी बॉटल पर लिखा है सिक्स एंड वन सिरम तो अब हम इन सिक्स एंड वन सिरम बेनिफिट्स की बात करते हैं नंबर वन हेल्प कंट्रोल फ्रिज हेयर तो ये फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करता है जो कि बहुत रफ़ रफ और फ्रिज़ी उड़े उड़े नज़र आते हैं उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल करता है नंबर टू इम्प्रूव हेयर कर्ल्स एंड स्ट्रेटनेस तो ये कर्ल्स को स्ट्रेट बिल्कुल नहीं बनाता है बट बालों को काफ़ी हद तक स्ट्रेट रखता है मतलब जो हल्के से कर्ली बाल होते हैं रफ़ रफ़ बाल होते हैं उनको स्ट्रेट करने में हेल्प करता है नंबर थ्री रिमूव स्प्लेटेंट एंड पर फोकस करके उन्हें प्रिवेंट करता है मतलब जो हमारे दो मुंह के बाल निकल आते हैं उन्हें कंट्रोल करता है सिरम कंटिन्यू यूज़ करने से एंड की प्रॉब्लम नहीं होती है काफ़ी अच्छे से ये एंड को कंट्रोल कर लेता है नंबर फोर कंट्रोल डैमेज हेयर मतलब जो हमारे बाल डैमेज हुए हुए होते हैं या केमिकल यूज़ करने की वजह से कलर यूज़ करने की वजह से हेयर स्टाइलिंग टूल्स की हीट से जो हमारे बाल जल जाते हैं तो ये उनको भी कंट्रोल करता है uh, कोई भी स्टाइलिंग टूल यूज़ करने से पहले सिरम यूज़ करना चाहिए इससे क्या होता है इससे बालों पर हीट uh, uh, से जो बाल जल जाते हैं वो नहीं होते हैं मतलब उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है सिरम यूज़ करने से नंबर फाइव प्रोटेक्ट अगेंस्ट ह्यूमिडिटी मतलब जो ह्यूमिड वेदर uh, के इफ़ेक्ट हमारे बालों को ख़राब करते हैं स्कैल्प को खराब करते हैं तो सिरम ह्यूमिडिटी के होने वाले इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है एंड नंबर सिक्स नरिश ड्राई हेयर एंड प्रोवाइड शाइन तो जो बेजान रूखे बाल होते हैं उन्हें नरिश करता है और उन बालों में इंस्टेंट शाइन ऐड करता है और उन्हें स्मूथ बनाता है तो अब हम बात करते हैं मल्टी यूज ऑफ हेयर सिरम हेयर सीरम के काफ़ी सारे अलग अलग यूज़ होते हैं तो कुछ लोग हेयर सीरम को हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं कुछ लोग हेयर सीरम को आफ्टर हेयर स्टाइलिंग यूज़ करते हैं जो बाल फ्रिजी लुक देते हैं उड़े उड़े नज़र आते हैं तो इसे यूज़ करने से ना बाल उड़े उड़े नज़र नहीं आते हैं तो हेयर सीरम वेट हेयर पर भी यूज़ किया जाता है और ड्राई हेयर पर भी यूज़ किया जाता है बेसिकली इसको मैं जो यूज़ करती हूँ ना मैं नहाने के बाद जब बाल हल्के से वैट होते हैं उस वक्त यूज़ करती हूँ उससे क्या होता है मेरे बाल अच्छे से कॉम हो जाते हैं टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही उलझने की कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे उस वक्त होती है अक्सर क्या होता है गीले बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो अक्सर मेरा मेरे सारे बालों का ना जूड़ा बंधा होता है तो वो उलझे हुए होते हैं तो जब भी मैं नहाती हूँ वॉश करने के बाद जब ये हल्के से वेट होते हैं तो मैं तब यूज़ करती हूँ सिरम को से मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं तो इसी तरह सिरम के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं तो इस सिरम को लोग अपने अकॉर्डिंग बहुत तरह से यूज़ करते हैं तो अब मैं बताती हूँ हेयर सिरम यूज़ कैसे करते हैं आपको क्या करना है अपने पाम पर कुछ ड्रॉप्स के लेने हैं और उनको दोनों हाथों पर अच्छे से मल लेना है और अपने बालों की मिड लेंथ से लेके फुल लेंथ तक अप्लाई कर देना है अब याद रखें कभी भी हेयर सिरम को ना रूट्स पर नहीं लगाते हैं तो रूट्स पर नहीं लगाना चाहिए अपने बालों की मिड लेंथ से लेके फुल लेंथ तक इसको यूज़ करते हैं तो बस आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग इन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में